कई सालों पहले की बात है, एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बगुला रहा करता था। उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप भी रहता था। वह सांप बड़ा ही दुष्ट था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा जाया करता था। इस बात से बेचारा बगुला बहुत परेशान था। एक दिन की बात है, सांप की हरकतों से परेशान होकर बगुला नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बैठे बैठे अचानक उनकी आंखों से आंसू आ गए। बगुले को रोता देख नदी में से एक केकड़ा बाहर आया और बोला, अरे बगुला भैया, क्या बात है, यहाँ बैठे बैठे आंसू क्यों बहा रहे हो, क्या परेशानी है? केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, क्या बताओ केकड़े भाई, मैं तो उस सांप से परेशान हो गया हूँ। वह बार बार मेरे बच्चों को खा जाता है। घोंसला चाहे जितना भी ऊपर बनाओ, वह ऊपर चढ़ ही जाता है। अब तो उसके कारण दाना पानी लेने के लिए भी घर से कहीं जाना भी मुश्किल हो गया है।